हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर जो है HBL, इसके बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम। ये प्लेट है, ये एक प्लेट है उसका, ये बेसिकली मैं आप बोल सकते हैं इसको मैं कि मैं इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, और ये उसके ऊपर एक हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है। सर क्या चीज़ है ना ये सर मैं दिखा रहा हूँ ना, फ्लूड का फ्लो, फ्लूड का फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, और ये है प्लेट। और सर ना इसकी कुछ ना विस्कोसिटी की वैल्यू कुछ मुझे पता है, तो सर ये जो सरफेस पे अगर कॉन्टैक्ट पे आएगा तो ये कुछ ड्रैग शो करेगा, कुछ शियर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप करेगा, उसके कारण ना सर जिसका वेलोसिटी है ना सर बिल्कुल एट द सरफेस, ये जो देख रहे हैं आप, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, ये एक फ्लूइड का आपको लेयर दिखा रहा हूं जो कि रेस्ट पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको नो स्लिप कंडीशन। इसमें जो आपका प्रोफाइल डेवलप होता है वेलोसिटी का वो कुछ ऐसा होता है, ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी का मैं वैल्यू बता रहा हूं एट डिफरेंट वाई पे, ये वाई एक्सिस है और ये आपका अगर वेलोसिटी का एक्सिस है यू, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए वाई, इस वाई की करस्पॉन्डिंग जो यू की वैल्यू है वो ये है, इस वाई करस्पॉन्डिंग जो यू की वैल्यू है वो ये है, देखिए बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी का वैल्यू, बढ़ते जा, देखिए बढ़ते जा रहा है ना, ये कम है, ये ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा, और यहां पे आके ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल हो जाती है, यू इन्फिनिटी के, जो अगर आपको यू इन्फिनिटी आप इसका अगर बोल दें कि इससे कुछ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगा यू इन्फिनिटी, और टी इन्फिनिटी इसका फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर होगा, तो एट द डेल्टा यानी कि एट द थिकनेस, इस जो बाउंड्री लेयर का जो प्रोफाइल है इसका जो डेल्टा होगा, जहां पे कि इसका इसके आगे आपको कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा या फिर कोई डिक्रीज इन वेलोसिटी फील नहीं होगा, इस थिकनेस के बाद, इस हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस के बाद, डेल्टा के बाद आपको कुछ भी चेंज होता हुआ प्रॉपर्टी का दिखाई नहीं देगा, आपको यहां पे जो वेलोसिटी दिखाई देगी ना वो यू इन्फिनिटी दिखाई देगी, तो यहां पे जो वेलोसिटी है ऑलमोस्ट इक्वल टू यू इन्फिनिटी, वही मैं दिखा रहा हूं। ये थी बात हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की, और इसमें हम कल बात कर रहे थे वॉन कारमान इक्वेशन के बारे में, वॉन कारमान इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था डेल्टा यानी कि जो थिकनेस है हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का, जो थिकनेस है ये देख रहे हो ना थिकनेस, ये यहां पे डेल्टा है, ये यहां पे कुछ अलग डेल्टा है, यहाँ डेल्टा बोल दो, यहाँ डेल्टा डैश बोल दो, ये देखो डेल्टा डबल डैश बोल दो, कुछ ही डेल्टा वेरी करते जा रहा है, जिस थिकनेस के अक्रॉस आपका जो प्रॉपर्टीज है शियर स्ट्रेस का वो आप फील कर सकते हैं वो इंक्रीज होते जा रहा है, और फिर बेसिकली मैं आपको एक ये सब कंडीशन दिखा रहा हूँ, डेल्टा डेल्टा डैश डेल्टा डबल डैश। और इसका एक ना जो जनरल एक्सप्रेशन जो आया था वॉन कारमान इक्वेशन के थ्रू, वो क्या आया था, सी एक्स अंडर रूट ऑफ आरई एक्स, यही आया था क्या, यही आया था, ठीक। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आता है, कैसे के बारे में मैंने बताया था वो कैसे आता है, ये वॉन कारमान इक्वेशन लिखते हैं हम पहले, फॉर डीपी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, उसके लिए लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आता है डेल्टा, तो यहां से हम ना डेल्टा को ना फाइंड आउट कर लेते हैं और टाउ डब्ल्यू निकाल लेते हैं वेलोसिटी के प्रोफाइल से,
जो लास्ट लेक्चर सुने होंगे उनको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो यार, टाउ डब्ल्यू है ना, टाउ शियर स्ट्रेस एट वॉल, एक और तरीके से डिफाइंड है, वो है सी एफ स्किन, देखो फ्रिक्शन कोफिशियंट, ये क्या सी एफ फ्रिक्शन कोफिशियंट हाफ रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये इस तरीके से भी डिफाइंड है। सी एफ निकाल लेंगे हम लोग, टाउ डब्ल्यू हाफ रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, और टाउ डब्ल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, म्यू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो, और आपको वेलोसिटी का प्रोफाइल पता है तो आप सी एफ निकाल सकते हैं। और सी एफ का जो जनरल जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, सी टाइम्स ऑफ आर ई एक्स, सी टाइम्स ऑफ आर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स, यहां तक बात हो गई है मेरी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के बारे में, इतनी बात थी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के बारे में।